और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने संभाली मिशन 25 की कमान। जयपुर में लोकसभा वार कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली की मीटिंग ली गई। धौलपुर और नागौर लोकसभा सीट को भी लेकर चर्चा हुई है। अमित शाह ने मौजूदा सियासी हालातों पर फीडबैक लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 को लेकर सक्रिय नजर आ रही है और देश के गृहमंत्री अमित शाह इसकी कमान संभाले हुए दिखते हैं। आज राजस्थान के दौरे पर और इससे पहले राजधानी जयपुर में पहुंच करके उन्होंने कई लोकसभा क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक की है। और इसी बीच बड़ी खबर एक और, सीकर में अमित शाह का रोड शो। जयपुर से सीकर के लिए रवाना हो चुके अमित शाह। इससे पहले होटल में उन्होंने बैठक की है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी, अमित शाह सड़क मार्ग से सीकर के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तापड़िया बगीची पर रोड शो का समापन होगा। कल्याण जी से रोड शो शुरू होगा, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो आज करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगेंगे और साथ ही तापड़िया बगीची पर जाकर यह रोड शो समाप्त होगा, समापन होगा इसका। यह बड़ी जानकारी, कई और नेता भी उनके साथ में मौजूद होंगे। खासतौर पर सीकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में आज अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, जयपुर से सीकर के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये रोड शो जो है वो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं सीकर से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती। मैदान में उनके समर्थन में रोड शो करने के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह जयपुर से, और कुछ ही देर में सीकर पहुंचेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसकी तैयारियां बीजेपी की तरफ से पहले ही कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ये देखिए कहां कहां से होते हुए रोड शो गुजरेगा, रोड शो का रूट मैप क्या है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कल्याण जी से शुरू होगा और अलग अलग रास्तों से होते हुए, जिसमें जाट बाजार से भी गुजरेगा, तो तापड़िया बगीची पर जाकर के ये खत्म होगा। तापड़िया बगीची पर इसका समापन होगा। बीच में घंटाघर से गुजरेगा, चांदपोल से गुजरेगा, और इस तरह से अमित शाह का करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो कुछ ही देर में शुरू होगा, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। आज गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा, राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी कैसे एक बार फिर से अपनी विजय पताका फहराए, इसे लेकर के एक रोडमैप बनाया गया है। और उसी रोडमैप के मुताबिक आज अमित शाह कुछ ही देर में अपने रोड शो की शुरुआत स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको और जानकारी दें, सीधा रुक कर लेते हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल सीकर में मौजूद हैं, जहां से रोड शो शुरू होना है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसमें जाट बाजार का इलाका भी है, कल्याण जी मंदिर भी है, और साथ ही साथ घंटाघर से होते हुए ये तापड़िया बगीची पर जाकर के समाप्त होगा। तो सीधे रुक कर लेते हैं सीकर का। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है? कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं सीकर, रोड शो करेंगे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में, बोलिए। जबरदस्त उत्साह है सीकर की गलियों में, लोग जो है अमित शाह की झलक पाने के लिए इस वक्त उमड़ते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त मैं सीकर कस्बे में हूँ, जहाँ पर थोड़ी देर बाद अमित शाह पहुँचने वाले हैं। बहुत ही जोरदार स्वागत की तैयारियां हैं। आप देखिएगा कि शेखावाटी में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, तो देखिए ऊंट हैं, उनके जुलूस का रोड शो का हिस्सा होंगे। और किस तरह से सज धज करके यहाँ पर ऊंटों को लाया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में घोड़े भी आए हैं, बग्गियाँ हैं, और जय श्री राम के नारे भी आपको दिखेंगे। साथ में पूरी रैली में भगवा रंग भी आपको छटा बिखेरता नजर आएगा। लोग हैं कई देर से यहाँ पर उमड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से घोड़ों को यहाँ पर सजा करके लाया गया है। और ठीक सामने आप दूर तक देखिएगा कि मैं एक छोर पर हूँ, दूसरा छोर मेरे ठीक सामने है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अमित शाह की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। शेखावाटी को जवानों और किसानों की धरती कहा जाता है, और बड़े बड़े नेता जो हैं शेखावाटी की धरती ने दिए हैं, यानी सीकर लोकसभा सीट पर कई दिग्गज जो है चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे हैं, जिनका बड़ा नाम रहा है इसमें। चौधरी देवीलाल का नाम रहा है, जो कि देश के उप प्रधानमंत्री बने। बलराम जाखड़ यहाँ से
दो तीन दफा चुनाव जीते और उन्होंने यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी संभाला, इसके अलावा वो कृषि मंत्री भी बनाए गए थे। चौधरी कुंभाराम आर्य का बहुत बड़ा नाम था, वो राजस्थान की सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे और यहाँ से सांसद भी चुने गए थे। डॉक्टर हरि सिंह ने भी यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन हाल के सालों में यहाँ पर स्वामी सुमेधानंद दो बार चुनाव जीत चुके हैं और आज जो है उनके समर्थन में उनको विजय श्री दिलाने के लिए अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थान में अपने दौरे की शुरुआत में एक बड़ा रोड शो यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप देखिएगा किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है और किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव में। आज अमित शाह जी जब आएंगे तो किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे, आप खुद देख लीजिए। ये सीकर की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है और राजस्थान वही जगह है जो 25 की 25 सीटें पुनः देने के लिए तैयार है। तो आज जब आएंगे तो किस तरह के जयकारे लगाने वाले हैं आप लोग? वही जय श्री राम के जयकारे हमारे सीकर की जनता लगाने चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये देखिएगा कि सीकर की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है अमित शाह के दौरे को लेकर के। एक तस्वीर में आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिख रहे हैं जी। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने सीकर में पढ़ाई करी थी और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। तो अंत्योदय की जिन्होंने परिकल्पना की थी और उसके दम पर बीजेपी की सरकार, उनके विचारों के दम पर बीजेपी जब आगे बढ़ती गई, तो आज जब सीकर में आएंगे अमित शाह तो उनको बताया जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी इस शहर से कितना बड़ा कनेक्शन रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरें भी यहाँ पर बग्गी में जो घोड़े हैं उनके आगे दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सीकर में आए थे और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। राजस्थान में जाटों को जो आरक्षण मिला था उसका ऐलान यहां से किया गया था, एक तरह से वादा किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में सीकर के रामलीला मैदान से कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो जाटों को आरक्षण देगी। अटल बिहारी वाजपेयी के श्रीमुख से उस वादे को मैंने भी सुना था, मैं भी उस रैली का हिस्सा था 1998 में। और जब यहाँ से बीजेपी जीती, सुभाष बैरिया जीते, तो यहाँ पर राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिला था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी इस लोकसभा सीट से बहुत सारी यादें हैं और उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े नारे लगाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने एक तरह से जंग छेड़ी थी। और सीकर के रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था कि मंडी में माल बहुत था लेकिन मैंने अपनी सरकार बचाने के लिए कोई समझौता नहीं किया। हमारे साथ ही संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। संदीप, किस तरह से आज वेलकम को तैयार है शेखावाटी की धरती, सीकर के लोग किस तरह से उत्साहित है अमित शाह के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए जब से अचानक कल ये दौरा फाइनल हुआ था उसके बाद लगातार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ तक कि जो मंत्री गौतम दत्त थे उन्होंने दो दिन तक यहाँ पर कैंपेन किया। पूरे जो नेता पार्टी के हैं वो इसमें जुटे हुए थे और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा लवाजमा जिस तरह से सजाया गया उससे माना जा सकता है कि काफ़ी जो उत्साहित हैं यहाँ के लोग अमित शाह के दौरे को लेकर के। हालांकि कुछ देरी जरूर हो रही है, जैसे कि 4 बजे शुरू होना था और अब चूँकि काफ़ी ये माना जा रहा है कि 5:30 तक शुरू हो पाएगा, लेकिन फिर भी। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी, जब से इस बार जो गठबंधन विपक्षी पार्टियों का हुआ है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि कुछ चुनौती पार्टी को लेकर के या इस चुनाव को लेकर के पार्टी महसूस कर रही है, जैसे उसके बाद ज्यादा अलर्ट पे जो है वो पार्टी के नेता हैं। तो यहाँ से बीजेपी के सामने कम्युनिस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जो है CPIM को दी है। अमरा राम 4 बार के विधायक रह चुके हैं, जाना पहचाना चेहरा है इस इलाके के। धोद से चुनाव लड़ते थे पहले और उसके बाद में दातारामगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन लगातार हाल के सालों में वो चुनाव हारते रहे हैं। इस बार अलायंस किया कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ, तो अब देखना है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट मिलकर के स्वामी सुमेधानंद को चुनौती पेश कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले यानी कि चुनाव प्रचार के आगाज के वक्त ही आप देखिएगा कि अमित शाह का रोड शो यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक सकता है, नई ऊर्जा का संचार कर सकता है और एक तरह से ये बहुत बड़ा मौका है जब यहाँ की जो बीजेपी है वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बाबूलाल नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद वे रोड शो की शुरुआत करेंगे। हालांकि 4 बजे का समय दिया गया था, थोड़ा वक्त हो रहा है लेकिन तैयारियां पूरी हैं इस वक्त।